Hello, good morning my dear students. How are you? I hope you all are very good, fit and fine. So today we are going for continued portion of correct choice of words. In last session we was already talking about the different rules we have to using and different verbs we have to using, then different types of fill in the blanks. So this example number one we have already discussed in our last session. Now we are going for the example number two, and this all the verbs we have to fill with the proper concentration, because without proper concentration you have to not fill up this all the verbs here, because we must be need to perfect our different types of words like present tense, past tense, then we have to fill up this example number two here. Okay, so started with the first one, those who work. So here we put up art or hardly. So we can say that here we must be put up which verb here. हमें यहाँ पे क्या पुट अप करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आंसर हार्ड होगा या हार्डली होगा, ठीक है. बट यहाँ पे आंसर होगा हार्डली. क्यों? बट यहाँ पे आंसर होगा हार्ड. अब हार्ड क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि हार्डली क्या है. हार्डली क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा लास्ट में पुट अप करते हैं. मतलब जैसे सेंटेंस कंप्लीट होता है उसके लास्ट में हम वर्ब रखते हैं. बट यहाँ पे तो सेंटर में पूछा गया है, तो सेंटर में तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम रखते नहीं है ना. तो यहाँ पे आंसर होगा हार्ड, HARD, हार्ड. ओके, नाउ सेकंड वन, सी कांट स्पीक ब्लैंक इंग्लिश. अब देखो यहाँ पे भी फिर से हम आंसर क्या लिखेंगे, करेक्ट लिखेंगे. क्यों करेक्ट लिख रहे, क्योंकि देखो फिर से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा है करेक्टली. LY जितने भी आते हैं ना वो सब क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं. और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम सेंटेंस के लास्ट में ही रखते हैं, कभी भी इसको सेंटर में रखते नहीं है. तो यहाँ पे आंसर होगा करेक्ट. ओके, नाउ थर्ड वन, माय फादर वांट्स ब्लैंक टू बिकम एन इंजीनियर. सो यहाँ पे आई लिखेंगे या मी लिखेंगे, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा मी. वाई मी? बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट आई तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कभी हम सेंटर में रखते हैं, बीच सेंटेंस चल रहा होता है तो सेंटर में कभी भी हम सब्जेक्ट रखते नहीं है, ठीक है. अगर सब्जेक्ट बीच में रखना है, आई को बीच में रखना है सेंटर में, तो नया वर्ड हमें स्टार्ट करना पड़ेगा. बट ये थर्ड वन है, ये तो कंटिन्यू सेंटेंस है, ये तो कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा है. सो यहाँ पे हम मी का यूज करेंगे, नॉट आई, ठीक है. क्योंकि आई तो क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कभी भी हम सेंटर में यूज करते नहीं है. सो जब भी बीच सेंटर में सब्जेक्ट यूज करना होता है, सो आई इज कन्वर्टेड इनटू मी. ओके, नाउ फोर्थ वन, द गार्ड ब्लैंक द विसल. विसल मतलब सीटी बजाना होता है. तो बस सीटी बजाने के लिए क्या ब्लू कलर का यूज करना पड़ता है? नहीं, हमें फूंक मारनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं ब्लू. तो यहाँ पे आंसर होगा ब्लू, ठीक है. नाउ और फिफ्थ वन, दैट ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. मतलब जो वो उन्हीं को सर्व करेगी जो ओनली स्टैंड, मतलब जो खड़े है और क्या कर रहे हैं, खड़े होके गीले होते हैं? नहीं, खड़े होके गीले नहीं होते, वेट नहीं होते. जो खड़े होके वेट कर रहे हैं वो उन्हीं को यहाँ पे सर्व करेगी. तो यहाँ पे आंसर होगा वेट, नॉट वेट. ओके, वेट तो होता है गीला होना, बट वो खड़े खड़े थोड़े गीले हो जाते हैं. खड़े अगर कोई रह रहा है तो वो किसी का इंतजार ही कर रहा होता है, ठीक है. तो यहाँ पे आंसर होगा वेट, नॉट वेट. ओके, नाउ सिक्स्थ वन, ही वॉज नॉट एज अ. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है, दो ब्रदर के बीच में कंपैरिजन की बात हो रही है. सो क्लेवरर नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्लेवर, ठीक है. नाउ सेवंथ वन, प्लेटिनम इज अ कॉस्टलियर. अब देखो यहाँ पे प्लेटिनम एंड गोल्ड दोनों के बीच में फिर से कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे देन का यूज़ नहीं होगा. यहाँ पे यूज़ करेंगे हम देन. क्यों देन का यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि देन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है. और देन का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो तो नेक्स्ट, देन का मतलब होता है इसके बाद और नेक्स्ट क्या आने वाला है, तो प्लेटिनम के बाद नेक्स्ट गोल्ड आने वाला है, ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है. यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कंपैरिजन. सो वी हैव टू यूजिंग हियर देन, THEN. नाउ एट वन, द फूड वॉज क्विट टेस्टी और क्वाइट टेस्टी. क्विट का मतलब और क्वाइट का मतलब क्या होता है? क्वाइट का मतलब होता है शांत हो जाना, चुपचाप बैठ जाना, और क्विट का मतलब होता है थोड़ा सा टेस्टी. तो यहाँ पे आंसर होगा क्विट टेस्टी, QUIET. जो फूड है वो थोड़ा सा टेस्टी है. ओके, नाउ नाइन्थ वन, ही विल पे. अब यहाँ पे देखो फिर से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो वो तो रखेंगे नहीं. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डियर. ही विल पे डियर फॉर हिज मिस्टेक. ओके, नाउ लास्ट वन, ऑल फेल एक्सेप्ट. अब यहाँ पे देखो ही एंड हिम,
तो ही तो क्या है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को कभी लास्ट में रखते हैं, सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट रहता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हिम, क्योंकि सब्जेक्ट को अगर बीच में रखना है तो ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडे सेशन रिगार्डिंग दिस करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स। नाउ वी आर गोइंग टू एंडिंग हियर, बाय बाय, टेक केयर।